नेक्स्ट सवाल आया है, 18 साल के एक पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं बोलूँगा, 18 साल के व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि सर हस्तमैथुन दिन में 2 बार हो जाता है, क्या ये ज़्यादा है, नॉर्मल कितना तक बोलते हैं? बहुत कॉमन सवाल है लोगों का कि हस्तमैथुन कितना करना नॉर्मल है। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम उसको एबनॉर्मल बोलें, जिससे कम हम उसको नॉर्मल बोलें। हस्तमैथुन की नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी नंबर से नहीं होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से होती है। जैसे कि हम कई वीडियो में बोल चुके हैं कि यदि आप पब्लिक प्लेसेस में हस्तमैथुन कर रहे हैं तब वो एबनॉर्मल है, यदि आप अपने पार्टनर को छोड़ के हस्तमैथुन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो भी वो एबनॉर्मल है। अगर आपका हस्तमैथुन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, जैसे कंपल्सिव मास्टरबेशन कई बार कहा जाता है, तो भी उसको एबनॉर्मल बोला जाता है। या फिर अगर आप अपने आप को चोट लगा रहे हैं, चोट लगा ले रहे हैं, इतना मास्टरबेशन हो रहा है, तो भी उसको एबनॉर्मल बोला जाता है। नंबर से उसको एबनॉर्मल नहीं बोला जाता, कॉन्सिक्वेंसेस से एबनॉर्मल बोला जाता है। अगर आपका मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इससे आपकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है या इससे आपके काम में नुकसान हो रहा है, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, कि काम में या लाइफ में नुकसान हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो एबनॉर्मल है, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो दिन में 1 बार हो, चाहे दिन में 5 बार हो। तो नंबर से मास्टरबेशन को नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं कहा जाता, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे हस्तमैथुन को नॉर्मल या एबनॉर्मल कहा जाता है। तो आपके सवाल का यही जवाब है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि जो मैंने बोला। मिसॉल्स का प्लेटफॉर्म बनाने का पर्पस यही था कि लोगों के सेक्सुअल सवालों के बारे में सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए, और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।